हेलो एम वेलकम टू माई चैनल तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है स्टीरियो केमिस्ट्री एंड ऑफ ओके तो देखिए इससे पहले हमने हमने पढ़ लिया, लिया वहां हमने जैसे कॉन्फर्गेशन किया था जो जो चीजें समझी थी वही सारी चीजें यहाँ बाईफिनाइल्स में भी समझनी है ओके okay? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखिए आपने पढ़ना तो सारे टॉपिक्स है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है तो फिर भी हम स्टार्ट करते हैं बाइफिनाइल को मैं पूरा ट्राई करूंगी कि यहाँ भी चीजों को मैं आपको क्लियर कर सकूं तो देखिए बाईफिनाइल में क्या है मैं आपको सिंपली बताऊं तो इसका आपने कॉन्फ्रगेशन निकालना है ठीक है कॉन्फ्रगेशन निकालना है बट आर एस सिस्टम के थ्रू यानी कि आपको बताना है कि आपको जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है बाईफिनाइल का वो आर टाइप का कॉन्फ्रिगेशन शो कर रहा है या फिर एस टाइप का कॉन्फ्रिगेशन शो कर रहा है ओके तो देखिए पहले हम चीजों को समझ लेते हैं ये थ्योरी मैं आपको क्या लास्ट में पढ़ाऊंगी और ये जितना भी स्टडी मटीरियल है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर लूंगी आप वहां से जाके देख लीजिएगा ठीक है तो स्टार्ट करते देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि बायफिनाइल में आपने कॉन्फ्रगेशन कराना बाई आर एस सिस्टम ओके बट क्या है किसी भी मॉलिक्यूल में आर एस सिस्टम की नेमिंग कराने के लिए मैंने आपको बताया कि उस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होना चाहिए यानी कि वो मॉलिक्यूल हमारा कायरल होना चाहिए बट अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे बाइफिनाइल का तो आपको कैसे पता चलेगा ये मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है मतलब पता तो चल जाएगा कि इसमें कोई भी कार्बन क्या हमारे कायरल नहीं है क्योंकि आप सारे कार्बन देख लीजिए ये सारे कार्बन क्या हमारे डबल बॉन्डेड शेयर्ड है मतलब ये सारे डबल सारे कार्बन क्या है डबल बॉन्ड बना रहा है इट मीन हमारा कोई भी कार्बन इन स्ट्रक्चर्स में दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या है कायरल नहीं है ठीक है बट क्या है कायरल होने के लिए एक असिमेट्रिक कार्बन का ही होना जरूरी नहीं होता है दूसरी कंडीशन भी होती है एक तो होती है असिमेट्रिक कार्बन यानी कि कायरल कार्बन की ओके ये चीज पता है हमने पहले बात की थी दूसरी होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री की यानी कि अगर उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट है फिर भी आप मॉलिक्यूल को कायरल बोल सकते हैं ओके तो अब बाइफिनाइल के केस पे कैसे देखेंगे कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है ठीक है तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का ही मेन कॉन्सेप्ट है इस पर सारे टॉपिक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री का ही है होता क्या देखिए अगर मैं पर्टिकुलरली बाइफिनाइल की बात करूं ठीक है यहाँ पे तो देखो बाइफिनाइल क्या होता है बाइफिनाइल होता है कि दो फिनाइल की रिंग जब हमारे पास क्या होती है एक दूसरे के साथ अटैच होती है बाई ए सिंगल बॉन्ड ये होता है हमारा बाइफिनाइल ओके तो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड दिखा दू यहाँ पर आपको कोई कारल एटम तो नहीं मिल रहा बट यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की आप बात कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखिए होता क्या आपको इतना मालूम होगा कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो फ्री रोटेशन कराते हैं एक मिनट कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या है हमेशा फ्री रोटेशन कराता है यानी कि इसका मतलब फ्री रोटेशन कराता है का मतलब क्या है ये मॉलिक्यूल को तो आपने यहाँ पिन कर दिया ये तो यहीं पर कुछ स्टॉप है पिन हो गया यहाँ पर को ठीक है लेकिन आप इसको यहीं पर स्टॉप करके यहीं पर कोई पिन करके क्या है दूसरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं यानी कि ये मॉलिक्यूल पूरा रोटेशन में आएगा यानी कि पूरा रोटेट होगा ओके अब देखिए रोटेट होने की वजह से क्या होगा ये मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है अगर मैं यहाँ पर को हाइड्रोजन के थ्रू यहाँ पर को दिखाऊं तो इस मॉलिक्यूल में क्या है आप देख सकते हैं कि रोटेशन की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल क्या एक सिंगल प्लेन पर आ जाता है यानी कि कि ऐसे आ जाते हैं कि आप देखेंगे कि दोनों मॉलिक्यूल अगर अगर आप आप अपनी ये लैपटॉप की की स्क्रीन या की स्क्रीन या फिर फोन पर देख रहे हैं तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या है बॉल से तो बना होगा इस पर जितने भी एटम है यहाँ पर को जो कार्बन एटम है हाइड्रोजन एटम है वो क्या एक बॉल की तरह है तो वो सारे के सारे एक सिंगल प्लेन पे है यानी कि आपकी स्क्रीन है इस स्क्रीन पर अटैच है ठीक है अब आप देखिए अगर आप अपनी स्क्रीन को ऊपर से कट करें यहां से आप स्क्रीन को कट करें अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा अगर आप इस मॉलिक्यूल को अपनी स्क्रीन को ऊपर से कट करें तो आपको क्या मिलेगा आपको स्क्रीन के पीछे आधा पार्ट मिलेगा आधा पार्ट स्क्रीन के आगे मिलेगा मिलेगा ना तो इस टाइप की सिमेट्री को हम क्या कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि अगर आपने इस मॉलिक्यूल को बीच से कट किया किसी भी प्लेन से कट किया तो आपको दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं जैसे आप इस स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं ये ए है अगर आप इस मॉलिक्यूल को बीच से कट करेंगे तो आपको दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं जैसे ये एफ हो गया ये भी एफ हो गया ये दोनों इक्वल है तो ये बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो देखिए अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो मैंने आपको क्या बोला वो मॉलिक्यूल हमारा कायरल नहीं हो सकता कारल होने के लिए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट होनी चाहिए तो होता क्या है ना कि इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर को कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन होने की वजह से क्या है ये मॉलिक्यूल रोटेट करता है इसको तो आपने पिन कर दिया लेकिन ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा जिसकी वजह से ये दोनों एक ही प्लेन पर आ जाएंगे और प्ले एक सिंगल प्लेन पर आने की वजह से क्या है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा अकारल हो जाएगा बट देखिए जैसे आपको मैंने इससे पहली वाली यूनिट ऑर्गेनिक की उस पर बताया था एस आई आर का कॉन्सेप्ट Inhibition of resonance, उस पर भी मैंने आपको क्या है लेकिन अगर आप क्या करें बाइफिनाइल की, की रिंग है आपने क्या कर दिया इस पर कोई बल्की ग्रुप लगा दिए ठीक है इस पर आपने क्या लगा दिया यहाँ पर को बल्की ग्रुप ठीक है ये लगा दिया आपने बल्की ग्रुप ठीक है बल्कि ग्रुप कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने यहाँ लगा दिया सीओ एस यहाँ लगा दिया सीएल एल यहाँ पर को क्या लगा दिया नोट uh, टू no और यहाँ पर लगा दिया ओ सी थ्री ओके ये हो गए बल्कि ग्रुप ठीक है होगा क्या जैसे क्या होगा अगर आपने इनकी ऑर्थो ये इनकी ऑर्थोपोजिशन हुई ठीक है ये ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन हुई भी इसकी ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन हुई अगर आपने इसकी ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन पर कोई बल्की ग्रुप लगा दिया तो इन बल्कि ग्रुप के आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल अगर आपने इसको पिन कर दिया तो ये मॉलिक्यूल इसके थ्रू मतलब इन ग्रुप्स के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या है इजिली रोटेट नहीं कर पाएगा यानी कि यहाँ पर को मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से होंगे अगर ये मॉलिक्यूल अगर जो आपने पिन किया है वो कुछ इस टाइप का यानी कि इस प्लेन पर प्रेजेंट है तो दूसरे इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा कुछ इस टाइप का ओके अब देखिए यहाँ पर को क्यों क्योंकि यहाँ पर को क्या है ग्रुप्स की वजह से हिंड्रेंस आ रहा है ठीक है ये दोनों एक दूसरे को क्या है धक्का दे रहा है टाइप का ऐसा कुछ समझ लीजिए ठीक है तो जिसकी वजह से आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल तो आपका प्लेन पे है दूसरा मॉलिक्यूल उस प्लेन के परपेंडिकुलर पे ऐसा कुछ ओके तो अब आप देखिए आप अगर इसको कट करेंगे तो ये तो कट नहीं होगा क्योंकि आपका समझिए कि एक मॉलिक्यूल तो आपके स्क्रीन पे है लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल स्क्रीन से बाहर है तो आप अपनी स्क्रीन वाले पोर्शन को तो कट कर लेंगे लेकिन बाहर वाले को कट नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इस वजह से क्या है इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या हो जाती है अपसेंट हो जाती है और ये मॉलिक्यूल हमारा कायरल हो जाता है तो ऐसे मॉलिक्यूल सिंपली अगर मैं बताऊं तो अगर आप बाई फिनाइल का केस लेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या है आपको क्या है आप चेक कैसे करेंगे प्लेन ऑफ सिमिट्री का आपको चेक करना है बाई दिस बल्कि ग्रुप ठीक है यानी कि अगर जिस मॉलिक्यूल में कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप सिंपली समझ जाए कि उस मॉलिक्यूल का प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और वो मॉलिक्यूल हमारा हो गया है और अकाल है तो उस मॉलिक्यूल पे आप आरस नेमिंग नहीं करा सकते सिंपल लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में बल्कि ग्रुप है देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो बल्कि ग्रुप में नहीं आते ओके अगर आपके पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन है तो समझ जाइए कि ये बल्कि ग्रुप नहीं है ठीक है तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बल्कि ग्रुप है देन क्या होगा अगर बल्कि ग्रुप है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है होगी और प्लेन ऑफ है तो मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा कायरल है अगर कायरल है तो आप इसमें आर एस की नेमिंग करा सकते हैं इस चीज चीजें क्लियर हुई अब एक और चीज मैंने आपको स्पायरो कंपाउंड और के केस पे भी बताया था कि देखिए अगर ये हमारा बाइफिनाइल है ठीक है रिंग थोड़ी बेकार सी हो गई ये सपोज आपका बाइफिनाइल है तो इस पे जो रिंग यहाँ पर को जो ग्रुप अटैच हो सपोज मैंने इसको इसको b, इसको C, इसको ए ले 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 लिया 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 बी सी लिया डी तो वहां भी मैंने बताया था कि ये दोनों कंपाउंड हमारे सेम नहीं हो सकते यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते ओके okay? सिमिलरली आपका ए और सी इक्वल हो सकता है ए और डी भी इक्वल हो सकता है और डी बी और सी भी इक्वल हो सकते हैं और बी और डी भी इक्वल हो सकता है बट ये दोनों कंपोनेंट कभी भी इक्वल नहीं होंगे ठीक है तो आपने इन दोनों चीजों की ध्यान रखनी है ठीक है सिंपल था अब हम बढ़ते हैं आगे ठीक है अब आप यहाँ पर को देखिए पहला जो मॉलिक्यूल आपको देखिए यहाँ आपने को मैंने ऐसे दिखा है यहाँ घिचड़ पिचड़ नहीं किया है ये आपका मटीरियल है आपका स्टडी मटीरियल आप पेपर पर कैसे लिखेंगे अगर बाईफिनाइल पर आया देन आप ऐसे स्ट्रक्चर शो करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं लगाया क्योंकि यहाँ सिर्फ चार हाइड्रोजन है और मैंने बताया था हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या है बल्कि ग्रुप में नहीं कंसिडर किए जाते हैं ओके? तो यहाँ क्या है सारे के सारे कोई भी क्या है बल्कि ग्रुप बल्कि ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से क्या होगा इस मॉलिक्यूल को आपने यहाँ पर पिन कर दिया लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल तो यहाँ फ्रीली रोटेट करेगा फ्रीली रोटेट करने की वजह से दोनों मॉलिक्यूल क्या है एक सिंगल प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल में आ जाते हैं यानी कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल हमारा अकायरल हो गया और मॉलिक्यूल अकायरल है तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में आप आर एस नेमिक नहीं करा सकते इतनी चीज क्लियर है बट अब दूसरे स्ट्रक्चर देखिए दूसरे स्ट्रक्चर पे आप देखिए यहाँ पर को क्या है हमारे चारों ग्रुप अलग अलग है एक दो तीन चार ठीक है ये चार ग्रुप अलग अलग है तो यहाँ पर को क्या है? देखो ऐसा नहीं कि एक भी मतलब कि यहाँ दो बल्कि ग्रुप होने चाहिए अगर आपने इसको पिन किया इसको पिन किया तो इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा ग्रुप है इसके पास दो बल ग्रुप होने चाहिए और इसके पास है ऐसा मत समझना कि यहां भी तो हाइड्रोजन है ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता इसको तो आपने पिन कर दिया तो इसके पास दो बल ग्रुप है एक सी एक बी अब क्या है इस पे क्या होगा रोटेशन नहीं होगा यहाँ पर को क्या होगा रोटेशन प्रिवेंट हो गया रुक गया इन ग्रुप्स की इन बल्कि ग्रुप के हिंड्रेंस की वजह से रोटेशन प्रिवेंट हो गया तो जब हमारा रोटेशन ही प्रिवेंट हो गया तो हमारा क्या मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होगी अपसेंट होगी और अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री एबसेंट है तो इट मीन मॉलिक्यूल क्या है कायरल है अगर मॉलिक्यूल किया कायरल है तो आप इसमें आर एस की नेमी करा सकते हैं इतनी चीजें क्लियर है अब हम आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर को मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बाईफिनाइल आर दोस्ट कंपाउंड तो सिंपली आपने थ्योरी आपको टीचर्स को ये थ्योरी इससे एक्सप्लेन करना है तो यहाँ लिखा है आर आर कंपाउंड इन टू टू बेंजीन रिंग सीसी सिंगल डबल ए सिंगल बॉन्ड एंड फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल ओके तो बाईफिनाइल में दो फिनाइल की रिंग या फिर दो बेंजीन की रिंग क्या एक सिंगल सीसी बॉन्ड से जुड़ी होती है बट हमें पता है की सीसी सिंगल बॉन्ड क्या होता है फ्री रोटेशन कराता है जिसकी वजह से क्या है इस बाईफिनाइल में फ्री रोटेशन पॉसिबल है बट इन केस वेन अ लार्ज सब्सिट्यूएंट इज इन ऑर्थो पोजिशन लेकिन आपने क्या ऑर्थो पोजिशन में कोई बल्की ग्रुप लगा दिया कोई लार्ज सब्सिट्यूएंट लगा दिया देन क्या होगा दे प्रिवेंट द रोटेशन अबाउट अ सिंगल एक्सिस ऑफ अ फिनाइल रिंग यानी कि ये ग्रुप्स क्या है ये जो बल्की ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू पर इसको रोटेशन को क्या करेंगे प्रिवेंट कराएंगे ठीक है रोटेशन नहीं होगा तो दस टू बेंजीन रिंग आर परपेंडिकुलर टू जिसकी वजह से एक बेंजीन रिंग आपकी प्लेन पे है जिसको आपने पिन किया था लेकिन दूसरी बेन्जिन रिंग इसके क्या आगे परपेंडिकुलर पर आगे कुछ ऐसा टाइप को समझ लीजिए ठीक है अब क्या बोल रहा है परपेंडिकुलर बिकम है जिसकी वजह से क्या है ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ ऑफिमिट्री एबसेंट होगी और मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया कायरल हो गया इतनी चीजें क्लियर हो रही है ना देखो सिंपल है ठीक है सारे चीजों में कॉन्सेप्ट यही लग रहा है ठीक है एंड मिरर इमेज अब देखिए कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो सिंपली आप बोलेंगे कि वो एनच्यूमर भी शो करेगा यानी कि वो जो दो स्ट्रक्चर बनाएगा मॉलिक्यूल अगर आप ये देखें तो इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी जो इसकी मिरर इमेज होगी वो दोनों क्या होंगे एक दूसरे के एनच्यूमर होंगे यानी कि आप बोल सकते ये दोनों क्या है मतलब ये दोनों नहीं देखिए इसकी अगर मैं कोई मिरर इमेज बना दू तो वो क्या है ये दोनों वो दोनों एन पेयर हो जाएंगे और क्या होंगे एक दूसरे के मिरर

एनचोमर आया इसे फिनोमेनो को बोलते हैं एटरोपिस ओके और यहाँ पे भी लिखा है एटरोप आइसोमर क्या होते हैं आर द स्टीरियो आइसोमर ये एक टाइप के स्टीरियो आइसोमर होते हैं अराइज बिकॉज़ ऑफ द हिंडर्ड रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड ये इसलिए कब अराइज होते हैं जब क्या होता है रोटेशन प्रिवेंट हो जाता है हिंडर्ड रोटेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड वेयर द एनर्जी डिफरेंस ड्यू टू द स्टेरिक स्ट्रेन एंड अदर कंट्रीब्यूटर्स क्रिएटेड अ बैरियर टू रोटेशन दैट इज हाई इनफ टू अलाउ द आइसोलेशन ऑफ अ इंडिविजुअल कंफर्मेशन ओके तो ये होता है एट्रोप आइसोमर तो अगला बोल रहा है बिकॉज द स्टेरिक हिंड्रेंस हिंड्रेंस द टू फिनाइल रिंग्स लाइ इन डिफरेंट प्लेन विच आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परुलर द मॉलिक्यूल बिकम ए कार्यूमर वो चीज आपको रिपीट करते हुए बार बार बोल रहा है बट ये आपका स्टडी मटीरियल है आप उसे पेपर पर आराम से लिख सकते हैं ओके okay? अगला बोल रहा है यहाँ पर बाई फिनाइल शूआर एन एन श्यूमर विच आर द विच फॉलो द टू कंडीशन फुलफिल्स ठीक है तो ये बोल रहा है कि बाईफिनाइल भी क्या है हमारा एन एनशियो शो कर सकता है यानी कि बाईफिनाइल में भी क्या है कार्यरी तब जनरेट होगी जब ये दो टाइप की कंडीशन यहाँ पर जो दी है वो फुलफिल करे पहला बोल रहा है ईच रिंग मस्ट बी अनसिमेट्रिकली सब्सटूटेड यानी कि दोनों रिंग हमारे अनसिमेट्रिकली सब्सटूटेड होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया अगर मैं इस बाईफिनाइल की रिंग पे इससे मैं बाईफिनाइल रिंग बनाऊँ तो यहाँ पे क्या ये जो ए बी होगा और ये सी डी होगा ये इक्वल नहीं होना चाहिए ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी ओके तो पहली कंडीशन यही रहा है दूसरे बोल रहा है बोथ द रिंग मस्ट बेटेड एट द ऑर्थपोजन तो दोनों रिंग पे क्या है ऑर्थोपोजन में तो कोई ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और सब्सिटेंट क्या है लार्ज टाइप के जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन और फ्लोरिन नहीं हो सकता क्योंकि ये Uh, कोई बल्कि ग्रुप नहीं होते ओके okay? तो यहाँ पर को क्या है बल्कि ग्रुप दिया है एल्यूमिनियम बी हो गया एनओ हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप नहीं होता ठीक है स्किप करना सी एस टी मिथाइल ग्रुप हो गया ये सारे ग्रुप एनओ टू हो गया एनओ टू दियाओव हो गया, गया मिथॉक्सी हो गया ये सारे ग्रुप क्या है आपके बल्कि ग्रुप कंसिडर होते हैं इतनी चीज क्लियर है अब देखिए अब हम दो एग्जाम्पल्स के थ्रू टीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे दो एग्जाम्पल भी आप वहां समझा दीजिएगा अब देखिए इसमें भी हमने आर एस नॉमिंग नेमिंग करनी है तो वही प्रोसीजर है जैसे हमने आगे किया था वही चीज आपने यहाँ भी करनी है ठीक है तो आपको मैं बताती हूँ कैसे नेमिंग होती है देखिए सिंपली आपने क्या करना है मैंने पहले भी बताया था पहले वाले कंपाउंड में एलिन के स्पायरो कंपाउंड में भी हम कर रहे थे हमने क्या करना होता है आर एस में प्रायोरिटी देनी होती है वन टू थ्री फोर की बेसिस ऑफ एटमिक नंबर ओके एटमिक नंबर की बट ये जो वन टू होते हैं रिजर्व होते हैं किस

सॉरी सॉरी ये हो रहा है आपका क्ल वाइज क्लॉक तो नीचे की ओर जाती तो आपका हो रहा है क्लॉक वाइज्रोग्यूशन होना चाहिए आर ओके बट हमने एक और चीज सीखी थी कि कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल में जो हमारा लीज प्रायोरिटी का ग्रुप होता है जिसे हम फोर्थ नंबर दे रहे हैं वो अगर हमारा डैश वेज में प्रेजेंट होता है ठीक है तो इस केस में हम लोग अपनी प्रायोरिटी को रिवर्स कर देते हैं जैसे यहाँ पर को आर है तो आप इस आर को क्या बना देंगे एस ठीक है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल तो हो जाएगा एस बाईफ इसी चीज क्लियर हुई अगर यहाँ पर को आपको ऑन द प्लेन होता है यानी कि सीएल के बदले हाइड्रोजन होता तो उस केस में जो आपकी अः कॉन्फ्रिगेशन है वो वही रहता ठीक है तो उस केस में आप उसे कन्वर्ट नहीं करते ओके तो दूसरे एग्जाम्पल देखिए दूसरे एग्जाम्पल भी सिंपल है सबसे पहले आप उन मॉलिक्यूल को नंबरिंग देंगे उस नंबर उस मॉलिक्यूल के सब्सटेंट को लिगि को नंबर देंगे जो ऑन द प्लेन है यानी कि ये हो गया मिथॉक्सी ये हो गया हाइड्रोजन तो आपको नंबर जाएगा पहला मिथॉक्सी का देन मिलेगा हाइड्रोजन को और इन दोनों में कैसे जाएगा पहले मिलेगा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बाद में आता है थ्री इसको मिल गया फोर इसको मिल गया ओके okay? देन आपका मूवमेंट कहाँ को हो रहा है वन टू थ्री फोर यानी कि ये हो रहा है आपका एंटी क्रॉक वाइज यानी कि एस बट इस केस में हाइड्रोजन का है ऑन द प्लेन है या फिर वेस्ट डेस्ट में ये है ऑन द प्लेन यानी कि इस टाइप पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वैसा का वैसे ही रहेगा वो कन्वर्ट नहीं होगा इस टाइप के मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे एस बाईफिनाइट इतनी चीज क्लियर हुई तो इस सिंपल था मैं तभी बोल रही हूँ कि चीजें आप सीरीज से पढ़ेंगे तो देखो हमने मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने जब एलिन का केस किया था तो एलिन पे वो आपका फर्स्ट टॉपिक था तो हमने चीजों को वहां अच्छे से खोल खोल के पढ़ा था ठीक है क्या होता है क्या नहीं होता है तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ चीजों को आप सीरीज से पढ़िए तो ये हमारा बाइफिनाइल का केस है ठीक है तो आपने टीचर को कैसे समझाना है पहले आप समझाएंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री और बाइफिनाइल में होता क्या है क्या क्या चीजें हैं दो एक्साम्पल के थ्रू पहले आप बताएंगे कि इस पे क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है फ्री रोटेशन हो रहा है सीसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में क्या प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट हो जा रही है मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ प्रेजेंट होने की वजह से कायरल हो रहा है जिसकी वजह से आप इस पर आर एस नेमिंग नहीं करा सकते ओके बट यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है दो हमारे यहाँ क्या है बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पर को क्या है रोटेशन जो है वो प्रिवेंट हो जा रहा है जिसकी वजह से क्या है ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री निकाला इम्पॉसिबल है मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं जिसकी वजह से वॉलिक्यूल हमारा कायरल हो गया कायरल है, है तो ऑप्टिकली एक्टिव है आप आप इसमें क्या कर सकते है? करा सकते हैं हैं आर एस नेमिंग करा देन थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे पर को में भी भी समझाना है आपको एंट्रोप आइसोमर क्या होता है है देन आप पर को दो ए, दो कंडीशन भी है कि क्या क्या कंडीशन हमने फॉलो करनी चाहिए एंड देन लास्ट में दो एक्जाम्पल के थ्रू आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे ओके okay? तो आई थिंक इतना मटेरियल इनफ होगा तो ये मटीरियल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूंगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे बात कीजिए मुझे बताइए मतलब तो अगर वीडियो पसंद आइए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे अच्छा लगता है अभी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय